नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हमारा चल रहा था पंचम पाठ है कंट के नेव है। कंट का अर्थात कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए थोड़ा बुराई का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है ना। क्योंकि रावण को मारने के लिए भगवान जी को भी तो थोड़ी करना पड़ा था ना, उसका वध किया तो वो एक तरह से बुराई हो गई ना, तो उनको भी करना पड़ा ना कुछ। तो इसी प्रकार इसमें है कि बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए हमें कुछ बुराई अपनानी पड़ती है, अर्थात काम में ली जाती है, ठीक है। कि वो जो है उस व्याघ्र को बाहर निकाल देता है, फिर वो बोलता है कि मैं प्यासा हूँ, फिर उसकी प्यास शांत करता है, फिर वो उसके लिए बोलता है कि मैं अभी भूखा हूँ तो मुझे मैं तुम्हें खाऊँगा, तो वो बोलता है कि तुमने तो मुझसे झूठ बोला, तुम मुझे बोले थे कि कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन तुम मुझे फिर भी खाना चाहते हो। तो वो बोलता है कि खुद की भूख शांत करने के लिए कुछ भी करना आवश्यक होता है, चाहे किसी से भी पूछ लो। तो नदी जल से पूछता है तो नदी जल बोलती है कि हाँ, सब लोग ऐसे ही हैं, सब लोग मुझ में स्नान करते हैं, मेरे जल में अपने वृक्षों को, अपने वस्त्रों को धोते हैं और मलमूत्र का त्याग भी मेरे जल में ही करते हैं, तो सभी क्या है अपने स्वार्थ की ही सोचते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, नेक्स्ट करते हैं। चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल जो है वृक्षों के पास जाकर पूछता है, उपगम्य समीप जाकर अपृच्छत पूछता है, वृक्ष है अवदत, तो वृक्ष जवाब देता है, वृक्ष बोलता है मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव जो है हमारी छाया में विश्राम करते हैं, विरमन्ति विश्राम करते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति, और हमारे फल खाते हैं, फिर भी क्या करते हैं, पुनः है पुठारी प्रहते असभ्यम सर्वधाम कष्टम ददाति, वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर भी बार बार कुठारे कुल्हाड़ी से प्रहते यानी प्रहार करते हैं, अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददति, और हमें हमेशा कष्ट ही देते हैं, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र यहाँ यहाँ वहाँ कहीं भी हमें छेदन कर देते हैं और हमें काट देते हैं, सर्व स्वार्थ समीहते, तो वृक्ष ने भी यही उत्तर दिया कि सब अपने ही स्वार्थ की सोचते हैं, सब अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। फिर ये जो सारा वृत्तांत था, पास में एक जो लोमशिका होती है अर्थात लोमड़ी जो होती है वो सुन रही होती है। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम पृष्ठे नीलिना एताम वार्ता शृणोति स्म है। समीपे अर्थात पास में ही एका एक लोमशिका अर्थात लोमड़ी बद्री गुल्मानाम यानी बेर की झाड़ियों पृष्ठे पीछे नीलिना छिपी हुई एताम ये सब वार्ताम बातें शृणोति स्म सुन रही थी। समीप में ही एक लोमड़ी जो है बेर की झाड़ियों के पीछे छिप करके ये सारी बातें, ये सारा वृतांत सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृते कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर के कहती है, का वार्ता, क्या बात हुई, माम अपि विज्ञापये, मुझे भी बतलाओ। स अवदत अह मातृसव से, वह बोलता है हे मौसी, वो मौसी बना लिया उसको, हे लोमड़ी मौसी या मातृ सबसे कौन होती है, मौसी, तो हे मौसी अवसरे त्वम समागतवती, तुम सही अवसर पर आई हो, तुम्हारा आगमन एकदम से सही समय हुआ है। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मैंने इस व्याघ्र की प्राणों की रक्षा करी, इसके जान बचाई, परंतु एषः मामेव खादितुम् इच्छति, यह मुझे ही खाने की इच्छा कर रहा है। तदंतरम बाद में सह लोमशिकाये निखिलाम कथाम न्यवेदयत, बाद में उसने लोमड़ी को निखिलाम यानी पूरी कथा कहानी न्यवेदयत निवेदित की अर्थात बताई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमड़ी ने चंचल को कहा, बाढ़म अच्छा, त्वम जालम प्रसार्ये, अच्छा तुम जाल को दोबारा बिछाओ, जाल बिछाओ, पुनः सा व्याघ्रम, तुम जाल को बिछाओ पुनः दोबारा, वह व्याघ्रम सा यानी वह व्याघ्रम बाघ को अवदत, दोबारा वह बाघ को
बोलती है केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद्ध। पर बोलती है लोमड़ी चालाक होती है ना कि किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे, इसको बोलती है बाघ को। इति अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ कि किस प्रकार से तुम इस जाल में फंसे। व्याघ्र तद वृत्तांतम प्रदर्शितम तस्मिन् जाले प्राविशत, जो व्याघ्र है उसके वृत्तांत को, अपने वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः अकथियत, लोमशिका जो है, लोमड़ी जो है, दोबारा कहती है संप्रति, अच्छा अब पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शरे, अब बार बार कूद करके दिखाओ मुझे। स तथेव समाचरत, तो उसने तथेव वैसा ही आचरण किया, अर्थात वैसा ही किया कि बार बार कूद करके दिखाया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांतम अभवत, अनारतम बार बार निरंतर कूर्दनेन कूदने से सह वह श्रांतम एकदम से थक गया, अभवत गया एकदम से वो थक गया, एकदम निढाल हो गया, बहुत ज़्यादा थक गया। जाले बद्ध स व्याघ्रम क्लांतः, एकदम क्लांत हो गया वो, एकदम जाल में बंधा हुआ थक गया, अब उसकी हिम्मत नहीं बची है ना। क्लांतः सन निसहायो भूत्वा तत्र अपतत, और एकदम से थक हार करके निसहाय हो करके बेसहारा हो करके भूमि पर गिर, वहीं गिर जाता है। और प्राण भिक्षामि, प्राण भिक्षामि वच आयाचियत, और प्राणों की भिक्षा की याचना करता है, प्राणों की भिक्षा मांगता है। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका व्याघ्र से बोलती है सत्यम त्वया भणितम, कि तुमने, अब वो लोमड़ी बोलती है उसे कि तुमने, तुम्हारे द्वारा सत्यम त्वया, सत्य यानी सच, तवैया तुम्हारे द्वारा भणितम कहा गया, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। सर्व स्वार्थ समीहते, कि सब कुछ अपना, सब अपना स्वार्थ सोचते हैं, सब अपना ही स्वार्थ देखते हैं, तो हमने भी, कहने का तात्पर्य है कि हमने भी अपना स्वार्थ देखा, अर्थात हमारी जान बचाई। ओके, यह आपका पंचम पाठ पूरा होता है, नेक्स्ट में करेंगे हम प्रश्नोत्तर, और इसमें भी शब्दार्थ अभी आप पढ़ लीजिए थोड़ा। व्याधः शिकारी बहेलिया स्वीयाम स्वयं की दौर्भाग्यात, दुर्भाग्य से बद्ध बंधा हुआ, पलायनम पलायन करना, भाग जाना, नवेदियत नि प्लस अवेदियत निवेदन किया, मोचयिष्यसि मुक्त करोगे छुड़ाओगे, निरसारियत नि ही प्लस असारियत निकाला, क्लांतः थका हुआ, पिपाशु प्यासा क्षमाए शांत करो मिटाओ, बुभुक्षितः भूखा भणितम कहा, प्रक्षालयंती धोते हैं विसृजे छोड़कर, निवर्तन्ते चले जाते हैं लौटते हैं, उपगम्य पास जाकर के वीरमंती विश्राम करते हैं, कुठारई कुलाड़ियों से प्रहरते प्रहार करके, छेदनम काटना लोमशिका लोमड़ी, नीलिनाम छुपी हुई उपश्रिते समीप जाकर, मात्र शिवसह हे मौसी समागतवती पधाई आई, निखिलाम संपूर्ण पूरी बाढ़म ठीक है अच्छा प्रत्यक्षम अपने समक्ष सामने। ये जो शब्दार्थ आए हैं आप बता सकते हैं कि पूरे चैप्टर में मैंने ऐसा कोई सा भी इनमें से एक शब्द नहीं छोड़ा है जिसका आपको अर्थ नहीं बताया है। इवन ये तो आपको याद करने ही करने, क्योंकि आपकी शब्दार्थ की जो वर्ड लिस्ट है उसमें है, लेकिन इनके साथ मैंने बहुत सारे अनेक ऐसे शब्दों के अर्थ बताए हैं जो इनमें नहीं है, तो आपको अगर चैप्टर अच्छे से सुनोगे तो आपको वो भी आ जाएंगे, और ये सारे एक भी इनमें से नहीं छूटा है कि मैंने इनका अर्थ आपको नहीं बताया है, ठीक है ना। ये है नेक्स्ट है थोड़े से, ये देखो दो चार और बच गए। वृत्तांतम पूरी कहानी प्रदर्शितुम प्रदर्शन करने के लिए, प्राविशत प्र प्लस अविशत प्रवेश किया, कूर्दनम उछल कूद, अनारतम लगातार निरंतर, श्रांत है थका हुआ, प्रत्यावर्तत है प्रति प्लस आ प्लस अवर्तत लौट आया,
फिर एक पदेन उतरत लिखत ये अभ्यास है। तो आप, मैंने इतना आपको पढ़ाया, आप एक पदेन वाले कीजिए, एक पद में उत्तर देना है आपको। पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसका अर्थ कीजिए, फिर उसका अर्थ हिंदी में आपको आना चाहिए और हिंदी का आप संस्कृत में लिख सकते हो। जैसे व्याधस्य नाम किम आसीत, व्याध कौन था, शिकारी, शिकारी का नाम क्या था, तो शिकारी का नाम लिख के किम, शिकारी का नाम जो था वो लिख करके आसीत कर देना, ठीक है। इस प्रकार आप ये करने की कोशिश करें हरफ में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करवाऊँगी। ओके, बाय।